हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स मेंटर पीयूष और आज हम लोग सीक्वेंस सीरीज के लेक्चर में हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में देखेंगे। इससे पहले क्लास 11 में यानी लेक्चर 11 में हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में बहुत कुछ सीखा है और आज इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। रिकॉलिंग लेक्चर 11, इस 11 लेक्चर 11 में हम लोग क्या देखे थे कि सर हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है यानी एचपी क्या होता है। जैसा कि हमने बताया था कि एचपी जो होता है, अगर कोई नंबर अगर एचपी में दिया हुआ है A1, A2, A3 और कहां तक AN, अगर ये एचपी में दे रखा है तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/A1, 1/A2, 1/A3, ये सब क्या होता है 1/AN, ये होता है एपी में, ठीक है। यानी जो भी नंबर एचपी में दिया रहेगा उसका जस्ट रेसिप्रोकल, उस टर्म का रेसिप्रोकल क्या होता है, एपी में होता है, ये बात याद रखेंगे। इसके साथ हम लोग देखे थे कि जब भी बात करें कि H1, H2, H3, HN और B, यानी N हार्मोनिक मीन को इंसर्ट करना भी देख सीखेंगे, आज सीखेंगे N हार्मोनिक मीन इंसर्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग एपी में देखे थे कि दो नंबर के बीच में एन अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट किया जा रहा था, तो हम लोग ये सीखे थे कि दो नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते थे। यानी पहला हम लोग क्या सीखे थे, सिंगल अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते थे, A+B/2। यानी सिंगल का बात करें, जब ए बी सी तीन सीरीज दिया हुआ है ABC, तो उसमें सिंगल अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते थे, B = A+C/2 करके, ठीक है। उसी तरह हम अरिथमेटिक मीन में भी यूज करेंगे ये कंसेप्ट, और आगे आज हम लोग सीखेंगे हार्मोनिक मीन, ठीक है। टॉपिक क्या है, हार्मोनिक मीन। तो जैसा कि ये डिफिनेशन, बेसिक डिफिनेशन लिखा हुआ है हार्मोनिक मीन का, तो हम लोग इसको इलेबोरेट करके समझेंगे। रिकॉल AM में हम क्या देखे थे, सिंगल, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल अरिथमेटिक मीन, यानी A+B/2, दो नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन निकालना बोले तो A+B/2 आजू बाजू वालों को जोड़ देंगे और divide/2 मार देते थे। यहां पे ज्योमेट्रिक मीन पूछे दो नंबर के बीच में, ये भी हम लोग सीखे थे कि सिंगल ज्योमेट्रिक मीन दिया दो नंबर के बीच में, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते थे, G = √AB। वैसे ही इसमें हम लोग ये भी देखे थे कि एन अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करते थे बिटवीन टू नंबर इंसर्ट करते थे, तो कैसे, पहले डी कैलकुलेट करते थे जो कि होता था B - A/N+1, और ज्योमेट्रिक मीन में आर कॉमन रेशियो कैलकुलेट करते थे जो कि होता था L/R^(n+1। तो इसी के साथ हम लोग हार्मोनिक मीन भी सीखेंगे जिसमें डी कैसे फाइंड करते हैं। अगर A H1 H2 HN B इंसर्ट किया जाता है तो पहले डी कैलकुलेट करते हैं। डी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होता है B - A/AB (n+1) होता है। किसके केस में, ये एचपी के केस में होता है। सबके केस में हम लोग एपी के केस में डी कैलकुलेट करते थे, ये होता है एचपी के केस में कैलकुलेट करते हैं डी, जनरल डी कैलकुलेट करते हैं। एपी के केस में हम लोग डी निकालते थे जो कि होता था क्या, B - A/N+1, और जीपी के केस में भी हम लोग कैलकुलेट करते थे कॉमन रेशियो।
आज हम लोग हार्मोनिक मीन निकालना सीखेंगे। अगर ये एचपी में दिया हुआ है, ये एचपी में दे रखा है, तो पहले डी कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद वन, अगर ये एचपी में है तो वन बाई ए, वन बाई एच वन, वन बाई एच टू, कहां तक, वन बाई एच एन, और लास्ट वाला क्या होगा, वन बाई बी। अगर पूछता है ये क्या होगा, एपी में हो जाएगा। अगर पूछे इसमें कि सिक्स या सेवेंथ हार्मोनिक मीन बताना है, तो पहले काम करेंगे, पहले डी निकाल लेंगे, पहले डी निकाल लेंगे बी माइनस ए से बाई ए बी प्लस एन प्लस वन से। ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको हम पहले एपी में कन्वर्ट कर देंगे एचपी से, उसके बाद हम सेवेंथ अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, जो कि होगा वन बाई एच सेवन इक्वल टू वन बाई एच वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और डी कहां से कैलकुलेट करेंगे, डी कैलकुलेट करेंगे यहां से, डी का फॉर्मूला फॉर्मूला यूज करके वैल्यू निकाल के, और डी यहां पुट कर देंगे, हार्मोनिक में निकल जाएगा। जो कि हमने जैसे बताया था, डी इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी बाई एन प्लस वन। ये कहां से आता है, वन बाई ए, वन बाई एच वन, ऐसे सोन करके एन अर्थमेटिक में इंसर्ट किया है, वन बाई बी। हम लोग देखे कि एपी में है, तो डी निकालने का फॉर्मूला जानते थे, वन बाई बी माइनस वन बाई ए बाई एन प्लस वन होता है एपी के टर्म में, एपी के केस में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा ए बी एन प्लस वन, और ऊपर में क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। ये एचपी के केस में हो जाएगा, यानी H1, H2, HN, B तक HP में दिया है, तो हम क्या किए, रेसिप्रोकल निकालनी है, 1 by A, 1 by H1, 1 by H2। अब ये क्या होगा, AP में होगा, क्योंकि HP का जितना भी टर्म का रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, AP में होता है। हम D जनरल फॉर्मूला जानते हैं निकालने का, D निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, B माइनस ए बाई एन प्लस वन होता है, किसके केस में होता है, AP के केस में होता है। और यहां पर यह क्या है, अब HP से हम लोग क्या बनाए, AP बनाए, देन अप्लाई सेम फॉर्मूला, डी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई एन प्लस वन, यहां भी करेंगे, लेकिन यहां पे लास्ट टर्म क्या है, वन बाई बी है, फर्स्ट टर्म क्या है, वन बाई ए है, बी वन बाई बी माइनस वन बाई ए बाई एन प्लस वन किए। और एन क्या है, एन यहां पे है नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन। एपी में क्या था, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन, यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन। यानी अगर सेवन सेवन हार्मोनिक मीन को इंसर्ट करें तो हम बोल देंगे n का वैल्यू कितना है, 7। 6 इंसर्ट करें तो n का वैल्यू कितना है, 6, ठीक है। और यहां पे जो दिया है, 1 i इक्वल टू लेक i इक्वल टू 1 टू n सिग्मा 1 बाय h1 hi। यहां पे हम देखेंगे बोल रहा है कि समेशन ऑफ हार्मोनिक मीन 1 बाय 1 h2 1 बाय h3 डॉट डॉट कहां तक, 1 बाय hn। ये किसके इक्वल होता है, n टाइम्स ऑफ 1 बाय h1, यानी सिंगल अर्थ सिंगल हार्मोनिक मीन का एन टाइम्स करेंगे तो इसका समेशन मिलता है। सिंगल हार्मोनिक मीन का एन टाइम्स करेंगे तो ये मिलता है। उसके बाद यहां पे देखते हैं, ये तीन नंबर का बात करा हम, अगर दो नंबर का बात करें कि दो नंबर्स, टू नंबर्स आर इन एचपी, टू हार्मोनिक सिंगल हार्मोनिक मीन के बारे में बात करें तो सिंगल हार्मोनिक मीन, सिंगल एचएम बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन टू नंबर्स, जो कि क्या होगा, हम बात करें ए एच डी, सिंगल हार्मोनिक मीन को इंसर्ट किया हुआ तो ये एचपी में होगा, ये एचपी में होगा, तो वन बाई ए, वन बाई एच, वन बाई बी, यानी ये किस में होगा, एपी में होगा। तो एपी का एक प्रॉपर्टी होता है, टू टाइम्स ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी, तो यहां पे अप्लाई करेंगे टू बाई एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई ए प्लस वन बाई बी, ठीक है। फिर यहां से एक चीज मिलेगा, टू बाई एच इक्वल टू ए बी, एलसीएम ले लेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी हार्मोनिक मीन, यानी सिंगल अर्थमेट सिंगल हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ ए बी बाई ए प्लस बी, और सिंगल हार्मोनिक मीन टू ए बी बाई ए प्लस बी, और एच एम
सिंगल अर्थमेटिक मीन क्या करते थे, ए प्लस बी बाई टू, ये सिंगल अर्थमेटिक मीन आता था, सिंगल ए एम, और सिंगल एच एम कैसे आएगा, टू ए बी बाई ए प्लस बी, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, बिटवीन एक क्वेश्चन दिया, बिटवीन वन एंड वन बाई हंड्रेड इफ हंड्रेड एच एम आर इंसर्टेड द वैल्यू ऑफ सिग्मा आई इक्वल टू वन टू हंड्रेड वन बाई एच वन एच आई, यानी किसका वैल्यू पूछ रहा है, सिग्मा आई इक्वल टू वन से लेकर हंड्रेड वन बाई एच एच आई। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, वन बाई एच वन वन बाई एच टू डॉट डॉट कहां था, वन बाई एच हंड्रेड। अभी हमने बताया कि एन एन हार्मोनिक मीन को इंसर्ट किया जाता है, एन हार्मोनिक मीन को इंसर्ट किया जाता है तब उसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इसका होता है एन टाइम्स ऑफ सिंगल एच एम, एन टाइम्स ऑफ वन बाई एच। यहां से हम लोग देखेंगे, पहले डी कैलकुलेट करेंगे, डी क्या आएगा, ए बी कितना जो सिंगल हार्मोनिक मीन हम निकालते हैं क्या होता है, टू ए बी बाई ए प्लस बी, यहां पे वन बाई एच वन वन बाई एच टू वन बाई हंड्रेड, यानी वन बाई हंड्रेड जो लास्ट वो होगा वो कितना होगा, दो नंबर के बीच में अगर लिखे वन बाई वन एंड वन बाई वन एच वन वन प्लस एच वन एच टू इंसर्ट किया हुआ है लास्ट में, ये कितना हो जाएगा, हंड्रेड हो जाएगा रेसिप्रोकल। अब यहां पे हम लोग देखेंगे टू कितना हो जाएगा, हंड्रेड डिवाइड बाई टू जीरो वन वन जीरो वन में कितना हो जाएगा, टू हंड्रेड बाई वन जीरो वन, यानी वन बाई एच क्या होगा, वन बाई एच हो जाएगा वन जीरो वन बाई 200, यहां पे n टाइम्स ऑफ बोल रहे थे 1 बाई एच, n टाइम्स n कितना है 100 और 101 बाई 200 कितना हो जाएगा 101 बाई 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा 50, यानी 50 50 कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेकर 100 का 1 बाई एच वन कितना है, 1 बाई एच कितना वैल्यू आ रहा है, 50 50, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इफ ए वन ए टू ए थ्री आर इन द हार्मोनिक प्रोग्रेशन विथ ए वन इजकल टू 5 एंड ए 20 इजकल टू 25, then the least positive integer n
फॉर विच ए एन लेस देन जीरो। आईआईटी जेई 2012 में पूछा हुआ है एक सवाल, इसका ऑप्शन दिया है 22, 23, 24 एंड 25, तो कैसे प्रोसीड करेंगे आइए देखते हैं। A1, A2, A3 ये क्या है, एचपी में दिया हुआ, किस में दिया, एचपी में, ठीक है, यानी 1/A1, 1/A2 यानी जस्ट इसका रेसिप्रोकल 1/A3 किस में होगा, एपी में होगा, क्लियर है। अब A1 का वैल्यू दिया हुआ है 5, A1 का वैल्यू दिया हुआ है 5, A2 कितना दिया हुआ, सॉरी A20 कितना दिया हुआ, 25। हम यहां से देखें यानी 1/A20 का वैल्यू लिख सकते हैं ना 1/A1 + 19D, 19D, और A1 का वैल्यू कितना है 1/A20 का वैल्यू भी गिवेन है, A20 का वैल्यू भी गिवेन है 1/25 = 1/A1, A1 का वैल्यू कितना गिवन है 1/5, यानी 5 हो गया प्लस 19D, ठीक है। यहां से हमें D का वैल्यू मिलेगा 1/25 - 1/5 = 19D, 19D, 25 - 5 = 19D, 19D, D का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, 4 - 4 - 4/25 × 19, D का वैल्यू इतना आएगा। अब क्या पूछा है, अब पूछा है AN लेस देन जीरो, मतलब TN लेस देन जीरो पूछ रहा, TN लेस देन जीरो करेंगे तो कितना आएगा 1/A1 + N - 1 × D लेस देन जीरो, ठीक है। 1/A1 का वैल्यू कितना है 5 + N - 1 × D कितना है, D का वैल्यू कितना है -4/-4/25 × 19 = (0) लेस देन 0 19, और 1/5 इसको इधर भेज दें राइट साइड में तो क्या हो जाएगा लेस देन 4 × (N-1) / 25 × 19, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, इधर भेज दें 25 × 19/5 यानी 5/4 लेस देन (N-1) यानी n इधर भेज देंगे n ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 19 × 5/4 + 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा 23.7 + 1 यानी n का वैल्यू कितना आ रहा है, n ग्रेटर देन कितना आ रहा है 24.7 समथिंग, बोला लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर यानी n 24 से बड़ा क्या आएगा 24 से बड़ा क्या आएगा पहला पॉजिटिव इंटीजर जो कि लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा 25, तो यहां से हम देखेंगे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा n का वैल्यू 25, यहां से ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट। कुछ नहीं था, एचपी से हम लोग पहले एपी बनाए, एपी बना के 1/A20 का वैल्यू गिवेन है 1/A1 + 19D, यहां से D कैलकुलेट कर लिए, D कैलकुलेट करने के बाद हमको पता है कि जब TN AN लेस देन 0 बोला है तो TN नेगेटिव होगा, TN टर्म नेगेटिव होगा तो हम लोग TN लेस देन 0 कर दिए। अब पहला टर्म क्या है 1/A1 + N - 1 × D लेस देन 0 जो कि 1/A1 गिवन है, A1 का वैल्यू 5 है और N - 1 D का वैल्यू भी यहां से निकाले हुए कैलकुलेट किए हुए D का वैल्यू यहां से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन IIT JEE 1998 यानी 1998 में पूछा हुआ है, बेसिक क्वेश्चन है XYZ अगर GP में है और तीनों पॉजिटिव है, XYZ पॉजिटिव है, तीनों GP में है, तो अगर XYZ अगर GP में है तो हम क्या करेंगे, हमारा प्रॉपर्टी क्या बोलता है GP के लिए, GP के प्रॉपर्टी को अगर रिकॉल करोगे तो पता चलेगा कि Y² = क्या होगा X × Z, Y² = X × Z,
अब हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है ln वाले टर्म को, 1 by 1 plus ln x, 1 by 1 plus ln y, 1 by 1 plus ln z किस में है, AP में है, HP में है, GP में है या none of these? एक बार चेक कर लेते हैं। दोनों साइड क्या करेंगे हम, log लगा देंगे। क्या करेंगे, log नहीं लगा लेते, ln natural log लगा लेते हैं, ln लगा लेते हैं, ln y square is equal to ln x into z। अब क्या करेंगे, इस ln का प्रॉपर्टी होता है कि जो ऊपर आता है पावर में वो बाहर आ जाता है, 2 into ln y equal to ln x plus ln z, ठीक है। यहां पे यहां 2 ऐड कर देते हैं दोनों साइड, तो 2 इधर भी ऐड करना पड़ेगा, ln x plus ln z। इसी चीज को यहां पे देखेंगे, 2 यहां पे ऐड किए हैं, अब पहले से यहां पे 2 था, 2 ऐड कर दिए दोनों साइड, बोथ साइड LHS और RHS में 2 ऐड कर दिए, 2 बाहर खींच लेंगे कॉमन, क्या बचेगा अंदर, 1 plus ln y equal to कितना आ जाएगा, इसके साथ एक 1 दे दिए, इसके साथ एक 1 दे दिए, अब ये भी बन जाएगा 1 plus ln x और plus 1 plus ln z, ये बन जाएगा। और देखो तीनों यहां पे दिखेगा, यहां पे दिखेगा कि तीनों एक किसका प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, AP का प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, यानी 2b = a plus c जैसा कुछ दिख रहा है, यानी हम बोलेंगे कि वहां पे यहां पे 1 plus ln x, 1 plus ln y, 1 plus ln z, ये क्या होगा, ये तीनों क्या होगा, AP में होगा, और ये तीनों AP में होगा, तो हम बोल सकते हैं कि 1 by ln x, 1 plus ln x, 1 by 1 plus ln y, 1 by 1 plus ln z, ये क्या होगा, HP में होगा, क्योंकि जो AP में होगा उसका reciprocal क्या होगा, HP में होगा, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, option B, HP में होगा, ठीक है, clear है, note down कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एजीपी, एजीपी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एजीपी में क्या होता है कि जो हमारा सीक्वेंस या सीरीज जो दिया रहेगा वो एपी जीपी दोनों में एक साथ दिखेगा, और ऐसा एक अचानक से समझ में नहीं आएगा कि ये एपी में है और जीपी में है, तो हम लोग पहले देखेंगे अगर साथ साथ दोनों पैटर्न चलता है इस सीरीज में एजीपी में साथ साथ, एक साथ एपी में भी टर्म रहेंगे और जीपी में भी रहेंगे, लाइक पहला टर्म एस में ए, उसके बाद ए प्लस डी, एपी में भी आर, ए प्लस डी आर, ए प्लस टू डी आर स्क्वायर, ए प्लस थ्री डी आर क्यूब, ठीक है, ये एजीपी का अपीयरेंस है, कैसे दिखता है, बहुत बेसिक है, इसमें हम लोग इसके स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब लाइक पूरे डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, हम क्वेश्चन से समझेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं एजीपी के क्वेश्चन को, कि एजीपी में एक टर्म यूज होता है मेथड ऑफ डिफरेंस, जो कि क्या होता है एक आगे करके शिफ्ट, एक टर्म को आगे शिफ्ट करके और कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं, तो वैसे ही इसमें भी किया गया है। देखो एस दिख रहा है तुमको, एस एक टर्म दिया एजीपी में, एपी में भी है साथ साथ जीपी में भी मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम कॉमन रेशियो चेक कर लेते हैं, इसका कॉमन रेशियो क्या है, आर 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 आर, कॉमन रेशियो चेक कर लिए, फिर वापस इस सीक्वेंस को कॉमन रेशियो से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरा होल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि यहां पे किया गया है एस आर, फिर एक टर्म क्या किया है आगे शिफ्ट कर दिए, एक टर्म आगे शिफ्ट कर देते हैं, फिर वापस दोनों को माइनस कर देते हैं, ऊपर वाले में से नीचे को माइनस कर देते हैं, तब तुमको सीक्वेंस दिख जाएगा कैसा है, पैटर्न दिख जाएगा, और ये इसके बाद जीपी दिखने लगेगा, और जीपी का कैलकुलेशन हम लोग जानते हैं कि एस एन निकालना होगा जीपी का, तो ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, ठीक है। एक क्वेश्चन से समझेंगे कि इसका एस कैलकुलेट करने बोल रहा है, जिसका जो है 1 plus 2x plus
3x² + 4x³ डॉट कहां तक? इंफिनिटी तक, ठीक है। ये एपी में भी है, 1, 2, 3, 4 इसके टर्म एपी में भी है, साथ साथ जीपी में भी जा रहे हैं। तो यहां से हम लोग देख लेंगे कि इसका कॉमन रेशियो किस क्या है, आर क्या है, इसका एक्स है, ठीक है। आर साइड में कहीं कैलकुलेट कर लिए, आर क्या दिखा, आर कैसा दिखा, एक्स, तो आर लिख लिए एक्स है। आर क्या है, एक्स है। अब इसी कॉमन रेशियो से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एस इंटू एक्स, और एक टर्म आगे शिफ्ट करके, यानी पहले टर्म को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पे इसके नीचे लिखेंगे x, इसके सेकेंड वाले के सामने x। अब इसमें सेकेंड वाले टर्म को मल्टीप्लाई किए, s इज 2x² हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3x² टोटल बढ़ा के इंफिनिटी टाइम्स तक। यानी इसी पहला सीरीज को हम लोग x से इसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक आगे शिफ्ट कर दिए और फिर दोनों को घटा देते हैं, फिर दोनों को माइनस कर देते, क्या आएगा 1 - x और बाहर में क्या बैठेगा s, क्या दिखा 1 + x + x² + x³। अब देखो, अब दिखने लगेगा कि यहां से लेके जो यहां तक का जो सीरीज है वो कैसा है, इन जीपी है, कैसा है, ये जीपी में है, और जीपी का सम हमें तो पता है, x into x की पावर इनफाइनाइट जीपी का सीरीज x / 1 - x। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 1 बार बैठा हुआ था, 1 - x, 1 - x + x कट गया, कितना आया 1 / 1 - x, यानी s इक्वल टू कितना आया, s 1 - x × x = 1 / 1 - x। यहां से उतारेंगे तो x कितना हो जाएगा 1 / 1 - x² जो कि इनफाइनाइट, जो कि एजीपी का सम है, इसका आंसर आ जाएगा कितना, s इक्वल टू 1 / 1 - x² ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द सम टू n टर्म्स एंड ऑल्सो s इंफिनिटी, ठीक है। यानी कोई इसका सम फाइंड करना, सम फाइंड करना है, ये AGP में दिख रहा है, कैसे, ये 1, 4, 7, 10 ये एपी में है और साथ साथ जीपी में भी इसके टर्म है, 5, 5² 5³। तो हम इसका सम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, s इक्वल टू 1 + 4/5 + 7/5² + 10/5³ एंड सो ऑन, कहां तक, इन्फिनिटी तक। अब इसका r कोई बताए, r बताए, r कितना हो जाएगा 1/5, R का वैल्यू 1/5, यानी R इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 1/5 s, यानी s by 5 हो गया। अब पूरे इक्वेशन को 1/5 से मल्टीप्लाई किए तो 1/5 s आया LHS में, RHS में क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई किए यानी आगे एक टर्म शिफ्ट कर देंगे, प्लस 4/5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करके आगे शिफ्ट कर दिए तो कितना हो गया 4/5 स्क्वायर, 7/5 स्क्वायर को 1/5 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 7/5³ एंड सो ऑन इंफिनिटी टाइम्स तक। दोनों का सम, दोनों में से माइनस किए तो ये कितना हो गया 4/5 s = 1 + 3/5 + 3/5 स्क्वायर + 3/5³ डॉट कहां तक, इंफिनिटी तक। ध्यान से देखने पे सब में क्या मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, तो बाहर कर लेंगे 3 कॉमन, 4/5 s = 1 + 3 बाहर निकल गया। अब कैसा दिखेगा, अब दिख रहा है 1/5 + 1/5 स्क्वायर 1/5³ कहां तक, डॉट इंफिनिटी तक। यानी ये था एजीपी, अब कैसा दिख रहा है, अब दिख रहा है जीपी, अब ये क्या बन गया जीपी, और जीपी का सम पता है, इनफिनाइट टाइम्स ऑफ जीपी का सम क्या होता है, a/1 - r, 4/5 s दिखा इक्वल टू 1 + 3 × 1/5 / 1 - 1/5 1 + 3 कितना हो जाएगा, ये 1/5 नीचे कितना 4/5 गया 1 + 3/4 जो कि हो जाएगा 7/4, ये किसके इक्वल आया 4/5 s तो s यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, s कितना आ रहा
सेवन बाई फोर इंटू फाइव बाई फोर, थर्टी फाइव बाई सिक्सटीन। इसका एस का वैल्यू हो गया, एस का वैल्यू आ गया कितना, 35/16। यानी एजीपी का समेशन कैसे निकालते हैं, इसको बोलते हैं जो आगे शिफ्ट करते हैं, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। यानी एक टर्म आगे शिफ्ट करके घटा देते हैं, इसको क्या बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। जो मिसलेनियस में भी पढ़ना है, आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसका यूज थोड़ा सा एजीपी में आता है कि कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं सीरीज को, आगे करके घटा देते हैं, आगे शिफ्ट करके घटा देते हैं। तो एस इंफिनिटी का सम कितना मिला हमें, 35/16। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कुछ स्पेशल सीरीज है जो दिखेगा नहीं एजीपी में, दिखे लगेगा कि एजीपी में है, फिर भी पहले झलक में पता नहीं चलेगा कि कैसा है। 3/5 प्लस 5/15 प्लस 7/45 प्लस 9/135, ठीक है। चेक करेंगे कॉमन रेशियो, पता नहीं चलेगा कॉमन रेशियो क्या है, क्योंकि कुछ इस टाइप का स्पेशल सीरीज होता है जो पहले देखने से पता नहीं चलता है। तो हम क्या करेंगे, सोचेंगे इसमें नीचे देखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई है, 5 3 15 15 3 45 45 3 135। अच्छा सोच लेंगे कि 1/3 क्या है इसका, 1/3 कहीं कॉमन रेशियो होगा, लेट सपोज। अब क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, आगे शिफ्ट कर दिए, 3/ कितना हो जाएगा, 3/15 करके ऐड कर देंगे, 5/45 7/135 एंड सो ऑन इंफिनिटी टाइम्स तक। अब क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, तो क्या होगा s माइनस s बाई थ्री, इधर क्या हो जाएगा 3/5 प्लस 5 में से 3 गया 2/15 प्लस 2/45 प्लस 2/135 एंड सो ऑन। यहां से देखेंगे 2/3 एस हो जा रहा है और 3/5 इधर है, सब में से 2 कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा 1/15 1/45 1/135 एंड सो ऑन इनफिनिटी टाइम्स तक। अब ये क्या है, ये क्या है, इसका आर कैलकुलेट करना होगा, तो 1/45 और 15 कितना आ रहा है 1/3। अच्छा यानी ये जीपी बन रहा है किसमें, इन्फिनिटी टाइम तक, इन्फिनाइट जीपी का, फिर हम सम कैलकुलेट यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, ये क्या है हमारा जीपी बन गया। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 1/15 और आर का वैल्यू कितना है 1 माइनस 1/3 1/15 2 और 3 5 यानी 1/10। इसका कितना आया वैल्यू 1/10 यानी 3/5 प्लस 2 इंटू 1/10 दैट इज 4/5 यानी 2/3 एस इक्वल टू कितना आया 4/5। एस का वैल्यू कितना आ जाएगा 6/5 जो कि आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एस का वैल्यू दिया हुआ है 2, एस का वैल्यू दिया हुआ है 2^1/2 इंटू 4^1/4 प्लस, सॉरी 2^2 तो यहां पर हमें दिखेगा 1/2 और सबका बेस क्या कर दे सेम, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2/4 उसके बाद क्या हो जाएगा 3/8 1/4 कहां तक इंफिनिटी तक। यहां पे क्या दिखेगा 2/4 2/1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/8
प्लस 4/16 ऐसे ही लिखते हैं, ये 1/4 नहीं लिखते हैं, 4/16 लिखते हैं। अब हमको एस चाहिए, एस से पहले हमें इसका समेशन चाहिए होगा, यानी एस डैश का समेशन चाहिए होगा। एस डैश का समेशन हम कैसे निकालेंगे, 1 + 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/8 प्लस 4/16 कहां तक, इंफिनिटी। ये दिखेगा सर एजीपी में दिख रहा है, ऊपर वाला टर्म एपी में है और नीचे वाला टर्म जीपी में है। तो एस डैश यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वहां से बताएंगे आर क्या होगा, आर क्या होगा 1/2 होगा, 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे और आगे शिफ्ट कर देंगे, 1/2 यहां पे क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 और कहां तक, इन्फिनिटी तक। अब दोनों को क्या करते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस से दोनों को माइनस कर देते हैं, एस में से एस बाई टू जाएगा, कितना बचेगा एस बाई टू, इधर कितना आएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स तक। अब यहां पे एक चीज दिखेगा, एस बाई टू ये क्या है, ये जीपी में है, ये 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 क्या है जीपी में है, और पहला टर्म क्या है 1/2 और कॉमन रेशियो क्या है आर का वैल्यू 1/2, तो कितना आ गया 1/2 डिवाइड बाई 1/2 वन, और एस का वैल्यू कितना आ गया 2, यहां से इसका समेशन कितना हो जाएगा 2, यानी एस डैश का कितना वैल्यू आया, एस डैश का वैल्यू कितना आया, एस डैश का वैल्यू आया 2, और यहां पे हमें पता है 2 का पावर ये एस डैश है, तो एस इज इक्वल टू 2 के पावर एस डैश, और 2 के पावर एस डैश कितना आया 2, तो यहां पे सम का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, यानी एस इज इक्वल टू 4, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, एस का वैल्यू कितना आया 4। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। एएमजीएम एक नया टॉपिक है, एएमजीएम और एचएम के बीच में रिलेशन क्या होता है, एएमजीएम और एचएम के बीच में रिलेशन होता है अर्थमेटिक मीन, हम जानते हैं सिंगल अर्थमेटिक मीन, सिंगल अर्थमेटिक मीन जानते हैं ए प्लस बी बाई टू होता है, सिंगल जीएम जानते हैं, जीएम क्या होता है दो नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा तो अंडर रूट ए बी होता है, और एचएम क्या होता है, एचएम होता है दो नंबर के बीच में 2ab/a+b, 2ab/a+b। एक रिलेशन होल्ड करता है ए एंड बी ए टू पॉजिटिव नंबर्स, देन एएम ग्रेटर देन जीएम और ग्रेटर देन एचएम होता है, और एजीपी ए जी एच क्या होता है जीपी में होता है, यानी जी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक रिलेशन याद रखेंगे, जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है एएच, जी स्क्वायर इज इक्वल टू एएच, जो कि यहां पे जी जी का वैल्यू क्या है रूट ए बी, रूट ए बी का स्क्वायर इक्वल टू जी, प्रूफ करके देख लेते हैं, ए एम ए क्या है ए प्लस बी बाई टू, और यहां पे एच एम क्या है 2ab/a+b, यानी हम क्या किए इधर जी स्क्वायर किए, जी स्क्वायर किए हैं जो कि अंडर रूट ए बी स्क्वायर है, एक बार चेक करेंगे ए बी गया 2 गया, अब किसके इक्वल आया ए बी, यानी ए बी स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ए बी एल एच एस और आर एच एस क्या होगा इक्वल होगा, यानी ये जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच कहना सही है, क्योंकि ए जी एच क्या है जीपी में रहता है, ए जी एच जीपी में रहता है, ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल जी स्क्वायर इक्वल टू एच और ए एम ग्रेटर देन जी एम और ग्रेटर देन एच एम पे बनते हैं, ये रिलेशन होता है ए एम जी एम और एच एम के बीच में, यानी जब अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं अर्थमेटिक मीन एपी में, ज्योमेट्रिक मीन जीपी में एंड हार्मोनिक मीन एचपी में, इन तीनों के बीच का सबसे फेवरेट रिलेशन होता है ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम, जो कि जेई मेंस का फेवरेट टॉपिक माना जाता है, यहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा जब भी निकालना होता है हम एम और जीएम का ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम इसका देखेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस वगैरह, और इसमें एक पॉइंट है इक्वलिटी होल्ड करता है जब नंबर्स इक्वल होता है, यानी ए इक्वल टू जी इज इक्वल टू एच कब होगा, जब सारे नंबर जो नंबर के बीच में यानी ए और बी क्या होगा इक्वल्स होगा।